हाथरस से कैंसर के इलाज के लिए कार से अलीगढ़ आए मरीज का रिश्तेदार बैग में रखे 10 लाख रुपए लेकर भाग गया। मरीज के भतीजे ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। सर, मैं अपने गांव हाथरस से ही आया था, यहीं इलाज कराने आया था अपने चाचा का। किसका इलाज कराना? मेरे चाचा का कैंसर का। क्या नाम है चाचा का? नीरज शर्मा। अच्छा, कितना क्या हुआ आपके साथ घटना का? सर, मेरा वो बैग और मेरा फ़ोन वॉलेट सब कुछ चोरी हो गया सर। और एक मतलब वो उनका कोई जानकार था या क्या है, वो लेके भाग गया है सर। वो गाड़ी में बैठा था, 2 मिनट में लेके भाग गया वो और गली में घुस गया। मैं उसके पीछे भागा सर। 9,95,000 थे टोटल। 9,95,000। सर, मेरे चाचा का ही था। चाचा का इलाज कराने के लिए आए थे। हाँ। चाचा कहाँ के? सर, गांव के हैं। आपके ये घटना कौन सी जगह की है? सर, यहीं की है, था ये बस स्टैंड से पीछे की, मसूदाबाद बस स्टैंड। सर ठीक है। कहाँ पर है? आज दिनांक 13/8/2024 को समय करीब 16:30 बजे थाना बन्ना देवी का एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी कि वह अपने चाचा का इलाज कराने के लिए 9,95,000 रुपये लेकर हाथरस से गाड़ी से अलीगढ़ आया तथा चाचा चाची के साथ मसूदाबाद आया। पीड़ित का भाई भी मौके पर मौजूद था। पीड़ित की चाची के बहन के ससुर ने अपने पास इलाज हेतु बुलाया था। चाची की बहन के ससुर द्वारा गाड़ी में बैठकर तथा उन्हें बातों में उलझाकर रुपए लेकर भाग जाने का आरोप लगाया गया, जिसमें पूछताछ करने पर प्रथम दृष्टया आपसी लेनदेन का विवाद का मामला प्रतीत हो रहा है, क्योंकि रुपए ले जाने वाला इन्हीं का परिवार ही है तथा मकान व जमीन को लेकर बातचीत चल रही थी। घटना के संबंध में कुछ भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं जो निराधार प्रतीत हो रही हैं। घटना की सत्यता की जाँच कर तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। रुपए की बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु 3 टीम रवाना की जा चुकी है।